इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे मिनरल सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में, साथ ही जानेंगे कि पिट सॉइल और मक सॉइल होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक और मिनरल सॉइल। ऐसा सॉइल जिसमें 20% या उससे अधिक ऑर्गेनिक मैटर हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। और वही अगर किसी सॉइल में 20% से कम ऑर्गेनिक मैटर है तो उस प्रकार के सॉइल को हम क्या बोलते हैं, मिनरल सॉइल कहते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल कहाँ से बनेगा, जब प्लांट या ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोजिशन होता है उसके फलस्वरूप हमारा क्या निर्माण होता है, ऑर्गेनिक सॉइल का निर्माण होता है। वही चट्टानों के अक्षय अर्थात विदरिंग से क्या निर्माण होता है, मिनरल सॉइल का निर्माण होता है। ये दोनों याद रखना। बात करते हैं इंडोर सॉइल के बारे में, तो भारत का जो मेजोरिटी ऑफ सॉइल है वो किस तरह का सॉइल है, मिनरल सॉइल है। क्यों मिनरल सॉइल है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम अर्थात लेस देन 0.5% से भी कम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट। ओके, ऐसा क्यों, अर्थात भारत में ऑर्गेनिक मैटर की कमी क्यों है, तो हम यहाँ पर देखते हैं इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर जिम्मेदार है तो वो है यहाँ का क्लाइमेट। भारत का मेजोरिटी ऑफ जो अगर क्लाइमेट की हम बात करेंगे तो वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं। ओके, और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। जब किसी एरिया में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा अधिक होगा वहां पर माइक्रोबियल एक्टिविटी उतना ही अधिक होगा। जब माइक्रोबियल एक्टिविटी जितना अधिक होगा उतना ही ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन भी अधिक होगा। आप वैसे ही समझ सकते हो जैसे कि अगर हम लोग कोई भी वेजिटेबल है उसको हम बाहर में रख देते हैं तो वो जल्दी खराब होता है, लेकिन उसको हम लोग अगर फ्रिज में रख देते हैं अर्थात लो टेम्परेचर में रख देते हैं तो उसके खराब होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। और यही सेम कंडीशन होता है एनवायरमेंट में भी। जब ऑर्गेनिक मैटर टेम्परेट रीजन में होता है अर्थात जहां पर कूल ड्राई क्लाइमेट होता है वहां पर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कम होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होती है। लेकिन इंडिया बिलोंग करता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में जहां पर माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत हाई होती है, इसी कारण से ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन अधिक होता है जिसके वजह से इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बहुत कम पाया जाता है। दूसरा है यहाँ पर डाइवर्सिटी भी अधिक है, अर्थात जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ज्यादा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में पाए जाएंगे। और सॉइल में जितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उतना ज्यादा ही माइक्रोबियल एक्टिविटी भी होगी। तो ये दो मेजर कारण है जिसके वजह से इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की कमी पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं मक सॉइल और पिट सॉइल की, तो सबसे पहले देखो मक सॉइल क्या होता है, ऐसा सॉइल जिसके अंतर्गत हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है, अर्थात ऑर्गेनिक मैटर इतना ज्यादा डिकम्पोज हुआ रहता है कि हम इसके ओरिजिनल फॉर्म को पहचान ही नहीं पाते, ऐसे सॉइल को हम क्या बोलते हैं, मक सॉइल। और वही ऐसे सॉइल जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम या पार्शियली डिकम्पोज होता है जिसके ओरिजिनल फॉर्म को हम खुली आंखों से भी पहचान सकते हैं कि किसका डिकम्पोज मटेरियल है, ऐसे सॉइल को हम क्या बोलते हैं, पिट सॉइल कहते हैं। पिट सॉइल कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन में। एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन मतलब वाटर लॉक्ड कंडीशन में जो सॉइल का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिट सॉइल कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर लॉक्ड कंडीशन होने के कारण उस सॉइल के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाती है। वाटर लॉगिंग होने के कारण वहां पर ऑक्सीजन का प्रॉपर एयरेशन नहीं होता है या ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पर एयरोबिक रेस्पिरेशन या डिकम्पोजिशन कम हो जाता है जिसके कारण जो ऑर्गेनिक मैटर है वो पार्शियली डिकम्पोज होते हैं। ओके, इसीलिए पिट सॉइल कहाँ पाया जाता है, एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन में। और एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन में पैदा होने के कारण इस सॉइल का पीएच बहुत कम था, 3.9 पीएच तक होता है जो कि केवल राइस कल्टीवेशन के लिए ही सुटेबल है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।